बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। कह के लिए बोल रहा है, इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था, बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस पेश करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में। बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल आया हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार का महागठबंधन से मोह भंग हो गया है। पहली बार 1994 में नीतीश कुमार ने पाला बदला था। नीतीश कुमार के अभी तक के सियासी सफर पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1974 में छात्र राजनीति के जरिए पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले नीतीश कुमार 5 बार पलटी मार चुके हैं। नीतीश कुमार पहली बार नीतीश कुमार ने साल 1994 में पाला बदला था, तब वे जनता दल का हिस्सा थे। जनता दल से निकलने के बाद नीतीश कुमार ने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस ललन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई और 1995 का विधानसभा चुनाव वाम दलों के साथ मिलकर लड़ा। 1996 में दूसरी बार मारी पलटी। इस दौरान जब समता पार्टी को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने वाम दलों के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया और एनडीए के साथ आ गए। इस तरह से 1996 में नीतीश कुमार ने दूसरी बार पलटी मारी। नीतीश कुमार का एनडीए के साथ यह सफर साल 2010 तक चला। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री फेस के रूप में आगे बढ़ाया गया तो नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए और 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। इस दौरान नीतीश कुमार को 2 सीटों पर जीत भी मिली। इसके ठीक 1 साल बाद ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस दौरान नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद तेजस्वी यादव का नाम जब IRCTC घोटाले में आया तो नीतीश कुमार ने 4थी बार पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। साल 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार और बीजेपी ने साथ मिलकर लड़ा और जीत भी हासिल की। 2022 में 5वीं बार नीतीश कुमार ने पाला बदला। हालांकि साल 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदला और महागठबंधन के साथ आ गए। यह 5वीं बार था जब नीतीश कुमार एक पार्टी को छोड़ दूसरे पार्टी में आ गए। साल 2022 के बाद से अभी तक नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ ही है, मगर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत ही जल्द पाला बदल कर एनडीए में शामिल होने वाले हैं। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।